समय, जिसे एक बार में एक ही स्वरूप में देखा जा सकता है, ना तो इसे कभी रोका जा सकता है और ना ही इसे बांटा जा सकता है। लेकिन आज समय की परिभाषा को मॉडिफाई कर दिया गया है। ये बात सच है कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय में आगे या पीछे जरूर जाया जा सकता है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में टाइम ट्रेवल कहा जाता है। टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप वर्तमान का वो क्षण होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पास्ट या फ्यूचर में यात्रा कर जाता है। टाइम ट्रेवल वैज्ञानिकों की कोई परिकल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये थियोरेटिकली प्रूव्ड है। केवल थियोरेटिकली ही नहीं, साथ साथ यह काफी हद तक प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो चुका है कि समय यात्रा की जा सकती है, यानी कि कोई भी इंसान समय में आगे या पीछे जा सकता है। आपने टाइम ट्रेवल की बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, जिनमें व्यक्ति अचानक से कुछ मिनट या सेकंड्स के लिए टाइम स्लिप कर जाता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसमें लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने समय यात्रा की है। द रेमिरेज इंसिडेंट, ये घटना है 9 नवंबर 1986 की, जहां स्पेन के एक शहर सेविली में रहने वाला एक व्यक्ति रेमिरेज अपनी कार को ड्राइव करता हुआ टाइम स्लिप कर गया। रेमिरेज नाम का वो व्यक्ति अपनी कार से स्पेन के एक शहर सेविली से एल्केलेडा डी गोडेरा की ओर जा रहा था। सेविली से एल्केलेडा डी गोडेरा की दूरी महज 10 मील की थी। रेमिरेज एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर था और उस दिन वह अपने बिजनेस के सिलसिले से जा रहा था। सेविली से एल्केलेडा डी गोडेरा की ओर जाने वाला रास्ता काफी सकरा था। रेमिरेज इस रोड पर बहुत बार आ जा चुका था, इसीलिए उसे इस रोड पर जाने का काफी अनुभव था। जब रेमिरेज अपनी डेस्टिनेशन के लिए चलने लगा तो रोड ने एक जगह पर गोलाकार टर्न लिया। रेमिरेज ने भी रोड के हिसाब से गोलाकार टर्न ले लिया, जिसके बाद उसने जो देखा उससे वह काफी हैरान हो गया। उसने पाया कि वह एक 6-लाइन हाईवे पर खड़ा है और वो हाईवे काफी आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। जब उसने अपने आगे पीछे देखा तो जहाँ तक उसकी नजर गई वहाँ तक उसे केवल यह 6-लाइन हाईवे ही नजर आया। उसने देखा कि हाईवे के दोनों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसने ये सब चीजें अब से पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि उस रास्ते पर ऐसा कोई भी 6-लाइन हाईवे नहीं था। उसने कार से उतरकर चारों ओर देखा तो उसे ऐसा लगने लगा मानो वह किसी और शहर में आ गया हो, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था। वह अपनी कार में बैठकर उसी रास्ते पर फिर आगे की ओर चलने लगा। उसने देखा कि उसके आसपास चलने वाली कारें बहुत ही स्पीड से चल रही थी, मानो जैसे कि वह ऑटोमेटिक ही चल रही हों। हाईवे पर चलते चलते उसे एक ट्रांसपेरेंट टनल दिखाई दी, जिसके बाद वह उस ट्रांसपेरेंट टनल में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने टनल में प्रवेश किया उसकी कार का टेम्परेचर अचानक ही बढ़ने लगा। टनल में प्रवेश करने के दौरान उसे किसी कंप्यूटराइज व्यक्ति की आवाज़ सुनाई थी, जो उससे कह रही थी कि वह टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया है। जैसे ही उसने टनल पार की तो उसकी कार का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। टनल से बाहर निकलने के बाद वह लगातार 1 घंटे तक कार चलाता रहा। तभी हाईवे के बाईं ओर एग्जिट का एक गेट दिखाई दिया और वह उस एग्जिट गेट में चला गया। जैसे ही वह उस गेट से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह एल्केला डी गोडेरा में अपने घर के पास ही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्या हुआ। जब उसने अपनी कार का मीटर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सेविली से एल्केला डी गोडेरा तक 120 मील की यात्रा की, जबकि ये दूरी मात्र 10 मील की थी। अगले दिन रेमिरेज उसी रास्ते से फिर से अपने ऑफिस गया, लेकिन अब उसे कोई 6-लाइन हाईवे नहीं दिखाई दिया, और ऐसा उसने लगातार कई दिनों तक किया, लेकिन यात्रा के दौरान उसे ऐसा कोई हाईवे नहीं मिला। उसने कई लोगों से भी इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन सबने कहा था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। रेमिरेज के अनुसार वह भविष्य में कुछ देर के लिए टाइम स्लिप कर गया था। इस घटना का सबूत इस बात से माना जाता है कि इस घटना से करीब 4 साल बाद सेविली से एल्केला डी गोडेरा तक जाने के लिए 6-लाइन हाईवे बनाया गया था, जिसे रेमिरेज ने पहले ही देख लिया था। रेमिरेज ने भविष्य के कौन से साल की झलक देखी थी ये वो नहीं जानता, लेकिन इस घटना ने सबको इस बात पर यकीन करने को मजबूर कर दिया कि रेमिरेज ने सचमुच टाइम स्लिप कर भविष्य की झलक देखी थी। द चाइनीज स्विस वॉच, ये बात है साल 2008 की, जब कुछ चाइनीज शोधकर्ताओं को एक 400 साल पुराने पत्थर की शोध के दौरान 100 साल पुरानी अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली। हैरानी की बात ये थी कि उस घड़ी में समय 10:06 पर रुका हुआ था, और वह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। चाइनीज स्विस वॉच इस बात को लेकर भी रहस्यमयी है कि आखिर ये घड़ी इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। तो फिर 500 साल पुरानी ये घड़ी आखिर कैसे और कहां से आई, और आखिर इसे बनाया किसने, क्योंकि 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का भी कोई अस्तित्व नहीं था।
आज तक भी ये घड़ी रहस्य बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये घड़ी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई है। बहरहाल जो भी हो, इस घड़ी के मामले में ज्यादातर वैज्ञानिक इसे टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं। आपको क्या लगता है इस वॉच के बारे में, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। द टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। कुछ समय पहले मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नई बात है, तो आपको बता दें कि ये कोई आम मम्मी नहीं थी, क्योंकि जो मम्मी खोज के दौरान मिली थी उसके पैरों में लाल रंग के जूते थे और इन जूतों पर 3 सफेद स्ट्रिप लगी हुई थी, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने के लिए मिलती है। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए काफी रहस्यमयी है, क्योंकि 1500 साल पुरानी मम्मी के पैरों में इस तरह के जूते कहां से आए। आपको बता दें कि इस खोज को एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये समय यात्रा की घटनाओं में से एक है, क्योंकि उस वक्त किसी भी तरह के जूते प्रचलन में नहीं थे, इसलिए इसे टाइम ट्रेवल की घटना माना जाता है। वेल, आपका इस मम्मी के बारे में क्या मानना है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड्रू कार्लसन। मार्च 2003 में कनाडा के टोरंटो शहर से पुलिस ने एंड्रू कार्लसन को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहा जाता है जब किसी को शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले ही इस बात की सूचना हो कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा तो कौन सा शेयर नीचे। सबका ध्यान एंड्रू पर तब गया जब एंड्रू ने महज 126 बार ट्रेड करके सिर्फ $800 से ही $350 million कमा लिए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जितने भी ट्रेड किए थे उन सभी में वो 100% सफल रहा था, मतलब उसे किसी भी ट्रेड में 1 सेंट का भी नुकसान नहीं हुआ। अब ये शेयर मार्केट में नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे मार्केट के एक्सपर्ट्स भी हर बार सही नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एंड्रू ने उन स्टॉक्स में पैसे लगाए थे जिनमें कोई भी समझदार निवेशक पैसे नहीं लगाता, लेकिन एंड्रू ने सिर्फ 126 ट्रेड्स में ही $800 को $350 million में बदल दिया। एंड्रू को स्टॉक मार्केट में हो रहे असाधारण मुनाफे की वजह से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान एंड्रू की ओर गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को पूरा यकीन था कि जरूर एंड्रू की कोई न कोई मदद कर रहा है, जिससे उसने पूरे US स्टॉक मार्केट में खलबली मचा दी है। इसी शक की वजह से एंड्रू को FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। FBI को लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में हो रहे एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश होने वाला है, और उन्होंने एंड्रू से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन FBI को ये मामला जितना आसान लग रहा था, ये उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा निकला, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रू ने FBI को जो बताया उसे जानकर सबके होश उड़ गए। एंड्रू ने बताया कि वो एक समय यात्री है जो साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके आया है, इसी वजह से वो ये सब पहले से ही जानता था कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन FBI ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब FBI ने उसके बारे में छानबीन की तो FBI को उसके बारे में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। ना तो इस नाम के व्यक्ति का कोई सरकारी डेटा था और ना ही कोई अन्य रिकॉर्ड। दरअसल FBI के पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था जो ये साबित कर पाता कि एंड्रू का इस दुनिया में कोई अस्तित्व है। ऐसा लग रहा था मानो एंड्रू दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। बार बार एंड्रू से पूछे जाने पर भी एंड्रू सिर्फ यही कहता कि वो एक समय यात्री है जो इस समय अंतराल में सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया है। एंड्रू ने FBI को विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताया जो आगे घटित होने वाली थी। साथ ही एंड्रू ने FBI से कहा कि अगर वो उसे जाने दें तो वो उन्हें फ्यूचर में एड्स का इलाज करने वाले तरीकों को भी बताएगा और ओसामा बिन लादेन की भी जानकारी देगा। उसने FBI को बताया कि वो पहले भी कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। अगर आप टाइम ट्रेवल जैसी घटनाओं में रुचि रखते हैं तो आपने इस तस्वीर को तो पहले भी कभी देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपने समय से काफी आगे के फैशन वाले कपड़े पहने हुए है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये तस्वीर किसी टाइम ट्रेवलर की हो सकती है, लेकिन एंड्रू ने इस तस्वीर के बारे में एक और दावा किया कि इस तस्वीर में उस समय यात्री के साथ वो भी मौजूद है। एंड्रू ने दावा किया कि इस फोटो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वो खुद ही है। अब आप एंड्रू के असल फोटो और इस पिक में दिखाई गई फोटो को मैच करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये सच में एंड्रू ही है या कोई और। खैर, FBI ने एंड्रू की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया और उसकी जमानत की राशि $1 million रखी गई, और ये किसी कैदी को छुड़वाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। कुछ दिनों के बाद एक गुमनाम व्यक्ति ने $1 million का बॉन्ड भर के एंड्रू को जमानत दिला दी। जब केस की सुनवाई के लिए एंड्रू को एक डेट मिली
तो एंड्रू कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। जब पुलिस ने एंड्रू की काफी खोजबीन की तो उनको एंड्रू का कोई अता पता नहीं मिला। जब पुलिस ने उस अनजान व्यक्ति को ढूंढा जिसने $1 मिलियन देकर एंड्रू को जमानत दिलवाई थी, उसका भी कोई अता पता नहीं था। वो दोनों व्यक्ति ऐसे गायब हुए जैसे मानो वो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। ये कहानी तब से लेकर अब तक अधूरी पड़ी है और अभी तक किसी के पास एंड्रू के बारे में कोई भी सुराग नहीं है। क्या एंड्रू अपने समय में वापस चला गया था? क्या एंड्रू सच में एक समय यात्री था? ये बातें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, एंड्रू कार्लसन की इस घटना के बारे में आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।